हो सकता है बहावलपुर से डीजी खान से उसके इर्द गिर्द के हॉस्पिटलों से डेड बॉडीज उठा के वहां इकट्ठी फेंक दी गई हो। ये किस कानून में लिखा है, किस मजहब में लिखा है कि आप लाश को छत पे फेंक दे, वहां पर कौवे और चीलें आ जाएं? अच्छा, 2 हफ्ते के बाद उसे छत पे फेंक दिया जाए? नहीं, आप भी कमाल कर रहे हैं। डाइसेक्शन करके उसकी बॉडी से पार्ट्स निकाल के वो यूज कर लिए जाते हैं। 2 हफ्ते के बाद क्या लाश की तस्वीर शुरू कर दी जाए? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान ए के आज़ाद। आप देख रहे हैं नवाए इंसान। नाजरीन, इंसानी रूह कांप उठती है जब हम इस तरह के वाक़यात अपने समाज में देखते हैं और अपने आप को मुसलमान कहते हैं। मुल्तान निश्तर हस्पताल में जो वाक़या पेश आता है वो पाकिस्तानी हो या अगयार से, उसके रोंगटे खड़े हो चुके हैं। वो परेशान है कि जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लाम के नाम पर बनने वाली रियासत, वहाँ पर क्या हो रहा है। इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए अली तल चौधरी साहब मौजूद हैं। उनका मुल्तान के एरिए में मुख्तलिफ NGOs के साथ काम करने का तजर्बा भी है। इसी हवाले से सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के तौर पर भी उस इलाके में इनकी बहुत सी खदमात हैं। हम उनसे बात करेंगे कि ये अलमनाक जो वाक़या पेश आता है इस पर उनके क्या जज्बात हैं और असल इस पर्दे के पीछे क्या मुहर्रकात हैं जिसकी वजह से ये जालिम तबका इंसानों की इज़्ज़त और नमूस के साथ तो खेलता है लेकिन ये लाशों के साथ भी खिलवाड़ करने से बाज नहीं आता। हम अली तल चौधरी साहब को इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी के साहब, आपका बहुत शुक्रिया आपने मुझे बुलाया। थैंक यू। असल में बेसिकली होता ये है कि जो डेड बॉडीज़ आती हैं, एक्सीडेंटल केस हो सकता है या हॉस्पिटल के अंदर अगर कुछ लाश आए, कोई बंदा आया बीमार हुआ है और उसकी कोई लवायकी नहीं आए तो उसकी डेथ हो जाती है। तो 2 हफ्ते का पीरियड होता है कोल्ड स्टोर के अंदर उसको रखने का। मेरी बहुत सारे डॉक्टर से बात भी हुई। अच्छा, 2 हफ्ते के बाद उसे छत पे फेंक दिया जाए? नहीं, 2 हफ्ते बाद उस आप भी कमाल करने वाला साहब, मेरी बात तो सुनिए। 2 हफ्ते के बाद क्या लाश की तस्वीर शुरू कर दी जाए? मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि असल में SOP है क्या, उसके बाद बात करेंगे ना कि आगे उधर क्या हुआ था। 2 हफ्ते के लिए बॉडी को कोल्ड स्टोर के अंदर रखा जाता है, उसकी अनाउंसमेंट की जाती है। अगर कोई नहीं आता तो उसको अनाटॉमी डिपार्टमेंट को हवाले करके डाइसेक्शन करके उसकी बॉडी से पार्ट्स निकाल के वो यूज कर लिए जाते हैं। ठीक है, यूज करें। हाँ जी। कौन रोकता है? ये किस कानून में लिखा है, किस मजहब में लिखा है कि आप लाश को छत पे फेंक दें, वहां पर कौवे और चीलें आ जाएं? सर मेरी बात सुनो ना, अब ओरिजिनल प्रोसीजर तो आवाम को बताना है ना कि ओरिजिनल में होता क्या है, फिर यहाँ बात करेंगे कि फिर हुआ क्या। अच्छा, फिर उसको केमिकल वगैरह लगा के उसको रख दिया जाता है, जो गोश्त उसका बॉडी से अलग हो जाता है उसको बाकायदा दफनाया जाता है। दफनाने के बाद उसका जो स्केलेटन होता है, ढांचा होता है, बोन्स वगैरह होती हैं, उसको स्टडी पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। अब सवाल ये है, इतना वबेला इसलिए मचा हुआ है कि एक तो स्मेल जो है वहाँ के इलाकों में गई क्योंकि बॉडीज़ बहुत ज़्यादा थी। जो मेडिकल के मेरे बहुत सारे दोस्तों से स्मेल वाली भी मैं आपकी गलत फहमी तरसा बहुत सारे लोगों सुने, बहुत सारे स्मेल इस तरह से पता चला है किसी बंदे ने कंप्लेंट की स्मेल आने की वजह से, वरना तो ये वाकया ही सामने ना आता। हमारे वाकया सामने नहीं आना था और हॉस्पिटल के अंदर ऐसे होता है। और ये हॉस्पिटल का जो माफिया है, डॉक्टर्स हैं, ये बहुत तगड़े बहुत स्ट्रॉन्ग है। इतने तो जगीरदार स्ट्रॉन्ग नहीं है जितने ये लोग स्ट्रॉन्ग हैं, वैसे अपने आप को मजलूम पेश करते हैं। और वो भी वो बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। वहाँ पे फिर किसी ने कॉल की, फिर पुलिस आई, वहाँ के डिप्टी सेक्रेटरी हेल्थ आए, हेल्थ मिनिस्टर CM पंजाब के जो एडवाइज़र थे वो भी वहाँ पर पहुँचे। अब सवाल ये उठता है कि इतनी ज़्यादा डेड बॉडीज़, मेडिकल के लोग कहते हैं ज़्यादा डेड बॉडीज़ नहीं थी, SOPs की खिलाफ वर्जी हुई। लेकिन जब डाइसेक्शन होती है तो वो बॉडी बिल्कुल नेक्ड होती है, उसके ऊपर कोई कपड़ा नहीं होता, लेकिन वहाँ जो डेड बॉडीज़ पड़ी हुई थी उनके ऊपर कपड़े थे। और एक वीडियो के अंदर तो एक डेड बॉडी काली नजर आ रही है। अब ये नहीं पता उसको जलाया गया है, उसके ऊपर एसिड फेंका गया है, वो किसी की दुश्मनी के जरिए ताब वहाँ बॉडी पहुँची है, या किसी पुलिस मुकाबले के अंदर मारा गया है, या पुलिस के अलावा जो बाकी हमारे यहाँ मुकाबले किए जाते हैं उसकी निशानदेही थी। ये अल्लाह पाक बेहतर जानता है। ना तो इंतज़ामिया ने इसके ऊपर प्रॉपर कोई जस्टिफिकेशन दी है और ना ही पुलिस ने वहाँ पर कोई रेड की है, ना पुलिस ने कोई कानूनी कार्रवाई की है। कानून के मुताबिक तो पुलिस कानूनी कार्रवाई करके ही डेड बॉडी सबमिट कराती है। अब हमारे छोटा सा शहर है, वहाँ पर जब MLC के अंदर अगर कोई डेड बॉडी आती है तो बाकायदा वहाँ का जो सेशन कोर्ट का जज है वो आता है, वो विज़िट करता है, AC साहब आते हैं, हॉस्पिटल का एमएस, वो ये जब डेड बॉडीज लोग लेने के लिए नहीं आते उसकी अनाउंसमेंट करते हैं, दौलत के उसकी सर अनाउंसमेंट करते हैं। अनाउंसमेंट करने के बाद उसको उसका गायबाना नमाज जनाजा पढ़ाया जाता है और उसको अमानतन वहाँ दफनाया जाता है कि बाद में अगर किसी प्रोसीजर के लिए इसके लवाई कहीं आता है तो उसको करेंगे। हमारे शहर के अंदर तो ऐसा होता है, बाकायदा अनाउंसमेंट होती है, मसाजिद में ऐलान कराए जाते हैं, अखबारों के अंदर उसका ऐड वगैरह दिए जाते, केबल के ऊपर पट्टी चलाई जाती है कि ये डेड बॉडी है, कल हम इसे दफनाने लगे हैं, अगर इसका कोई लवाहिकीन है तो इतने बजे से पहले पहले वहाँ पर पहुँच जाए। वहाँ ऐसा होता है। अब निश्तर में या बाकी बड़े अस्पतालों के अंदर क्या चोर बाजारी है, क्या कारोबार होता है, ये अल्लाह पाक जानता है, या वहाँ का एमएस या जो वहाँ पे जो वीसी साहब हैं वो इसकी जस्टिफिकेशन दे सकते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने प्रॉपर कोई जस्टिफिकेशन दी नहीं है। अब सुनने में ये आ रहा है कि वीसी साहब को टर्मिनेट किया जाएगा, एनाटॉमी ऑटोनॉमी एनाटॉमी डिपार्टमेंट उसके चेयरमैन को हटाया जाएगा। अफसानवी कहानियाँ हैं। मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ये इंसानी जानों के साथ जो कुछ होता है इससे मुतफिक नहीं हूँ। मैं तो कहता हूँ ये जितनी लाशें हैं ना, इससे ज़्यादा लाशें आपके नहरी निज़ाम में पड़ी होती हैं। ऐसे ही आप तीसरे दिन जाके जो नहर जब ख़त्म होती ना, उसे हम टेल बोलते हैं, दुम यानी उसका जो आखिरी, वहाँ पे हर चौथे दिन आपको लाश मिलती है आके, उसका कोई परेशान हाल नहीं होता, कोई पूछने वाला नहीं होता। पुलिस वाले आते हैं आके वही कहते हैं अच्छा जी इसे दफना दें इसी कब्र। अच्छा सर देखें, दफना दें, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जिस तरह अमेरिका के अंदर जो बाइडन की जो पब्लिसिटी है वो कम हो रही थी, ठीक है, तो उस पब्लिसिटी को उठाने के लिए उसने पाकिस्तान के एटमी असासों के ऊपर बातचीत की और सारे मीडिया की तवज्जो जो है वो पाकिस्तान के एटमी असासों पे ले आए। इसी तरह हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा वाकया हुआ हो जिसकी मीडिया के ऊपर तवज्जो ना जाए, उसको छुपाने के लिए ये वाकया करवाया गया। फिर उसमें ये भी हो सकता है 12-14 जमातों का जो इत्तेहाद है उसका, इसमें जो आप कह लें ये कारस्तानी जो है 12-14 जमातों की ये कारस्तानी हो सकती है। उन्होंने सोचा कि अच्छा अब ये सारा एक तरफ इमरान खान की तरफ तवज्जो लगी हुई है, इस तवज्जो को किस तरह से हम दूसरी साइड पे ले जा सकते हैं, वो भी हो सकता है। इसके अलावा बाकी भी बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी कोई गलत काम कर रहे होंगे, मीडिया की लोगों की तवज्जो ना जाए तो वो उस तवज्जो को छुपाने के लिए ये वाकया उन्होंने नमूदार कराया हो सकता है बहावलपुर से डीजी खान से उसके इर्द गिर्द के हॉस्पिटलों से डेड बॉडीज उठा के वहाँ इकट्ठी फेंक दी गई हो और कॉल भी खुद करवा दी गई हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। आप दूसरे रुख भी देखें ना, सारा मलबा उसके ऊपर हॉस्पिटल के ऊपर न डालें, पुलिस भी मुलविस हो सकती है, हॉस्पिटल भी अगर मुलविस है। मैं तो कहता हूँ आपने जिस तरह से कहा, मैं तो कहता हूँ हर अस्पताल का यही अलमिया है, हर अस्पताल का यही अलमिया है, या हो जाते हैं कुछ नहीं होते। अब हमने करना क्या है? मैं उन नौजवानों को, उन उलामा को, उन टीचर्स को, मैं उनसे मुखातिब हूँ जो बाशऊर तबका है, सुलझा हुआ पढ़ा हुआ, कि आप मैदान अमल में आए। जो इंसानों की तस्लील हो रही समाज में, उसका भी हमने कला कमा करना है। और अब इंसानों से बात अगले दर्जे पे बढ़ गई। अब ये मेरा और आपका फरीजा है, नौजवानों का, साजा का, उलामा का, कि आज ये हमारी लाशों के साथ खेलना शुरू कर दिया, इनके खिलाफ आज आप ऐलाने जहाद बुलंद करें, वरना ये हमारे घरों तक कान पहुँचेंगी, हमारी लाशें भी किसी हॉस्पिटल की छत पर पड़ी होंगी और कौवे और चीलें उसे खा रही होंगी। इसी के साथ मुझे अपने मेज़बान AK आज़ाद को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए नवाए इंसान। अल्लाह निगहबान।